नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर भरार और आज आप और मैं मिलके बनाने वाले हैं सिजलर। मतलब रेसिपी कोई भी हो, नीचे कमेंट्स में सिजलर 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 सर सिजलर सर सिजलर इतना आता था। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता, सिजलर हम नहीं बनाएंगे। तो सिजलर बनाने के लिए आप तैयार हो जाइए, पनीर सिजलर, लेकिन सुगम संगीत के बाद। Calling and action. तो पनीर सिजलर बनाने के लिए हमको चाहिए पनीर। करना होता है मेरे को, मेरे पेट में दर्द होता, नहीं तो रात को मेरे को नींद नहीं आती अच्छे से। देखो जी, ये सिजलर जो है मैंने लास्ट बनाया था सन 2001 में, तो आज 18 साल बाद मैं रेसिपी रिविजिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो भूल चूक लेनी देनी माफ़। रेसिपी बड़ी अच्छी है, बेसिकली पनीर शासलिक सिजलर बनाएंगे हम। पनीर शासलिक मैंने लास्ट बनाया था 2003 में, उसके बाद मैंने पनीर शासलिक नहीं बनाया क्योंकि रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में कॉन्टिनेंटल खाना बहुत इवॉल्व हो गया उसके बाद, और मैंने हिंदुस्तानी खाना बनाना ज़्यादा शुरू कर दिया। लेकिन पनीर शासलिक यानी कि डंडियों पर पनीर, तो डंडियों पे पनीर जब हम चावल के साथ, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, सलाद के साथ सर्व करते हैं, देसी बारबेक्यू सॉस के साथ सर्व करते हैं और सिजलर प्लेट नीचे डाल देते हैं जिसमें से धुआं निकलता है, तो उसका नाम पड़ जाता है पनीर सिजलर। कुटी काली मिर्च, अब तेज पत्ता, अब इसमें धनिए की डंडी भी अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जो देसी बारबेक्यू सॉस है, जो केचप बेस्ड बारबेक्यू सॉस है, उसमें धनिया की डंडी बड़ी अच्छी जाती है। तो ये गया थोड़ा सोया सॉस, जो सोया सॉस आपको मिले आप डाल दीजिए। अगर आप थिक सोया सॉस यूज कर रहे हैं तो कम डालिएगा, और अगर आप लाइट सोया सॉस यूज करें तो थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए। अब जो है इस केचप को ऐसे धीरे 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 पकने देना है। अब ये धनिया की डंडी जो है ना मेरे को मिल गई, तो मैंने थोड़ी डाल दी। तो इस सिजलर के चार हिस्से हैं, एक हिस्सा है सॉस, एक हिस्सा है पनीर शासलिक यानी कि पनीर की स्टिक्स, एक हिस्सा है चावल, ठीक है, और चौथा हिस्सा सिजलर, ऑब्वियसली सिजलर है या फ्रेंच फ्राइज भी आप डाल सकते हैं। तो सॉस हो गई, अभी पनीर की डंडी बनानी है और चावल फिनिश कर, ठीक है। पनीर की स्टिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, पनीर बारबेक्यू सॉस। आई थिंक सबसे बड़ा मिस नोबल है, सब लोग बोलते हैं नहीं बारबेक्यू सॉस तो अमेरिका से होता है। बारबेक्यू सॉस अमेरिका से नहीं होता, बारबेक्यू हर देश में होता है। द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ कुकिंग, सबसे बेसिक खाना बनाने का तरीका है आग होगी और आग के ऊपर मीट पकाया जाएगा। हाँ, तो ये कहना कि अगर तंदूरी चिकन में जो जो मसाला जा रहा है वो बारबेक्यू नहीं है, या फिर तंदूरी चिकन के साथ जो हरी चटनी खाई जा रही है वो बारबेक्यू सॉस नहीं है क्योंकि वो बारबेक्यू के साथ खाई जा रही है, या फिर वो इमली की चटनी जिसमें हम कई बारी मैरिनेट करके पकाते हैं वो बारबेक्यू सॉस नहीं है, गलत। तो ये बहुत बार हमको लगता है कि भाई विदेश में जो है वही सही है, इट इज नॉट ट्रू, दे जस्ट कॉल्ड इट बारबेक्यू, हम उसको बारबेक्यू नहीं बोलते। बाकी बारबेक्यू तो इंसान 150,000 साल से कर रहा है, जब से उसने आग के ऊपर, वो खाना गलती से गिर गया और उसने आग के ऊपर खाना सेकना शुरू किया, सबसे पहला बारबेक्यू तब हुआ। पनीर मैरिनेटेड है, सॉस ऑलमोस्ट रेडी है, चावल जो है अंदर अथर्व बना रहा है, उसके बाद बस रेडी, हम लोग खत्म कर देते हैं। अब बस We just have to skewer our paneer. Paneer को अच्छे से skewer करना है जी, अच्छे से मतलब अच्छे से। Onion और bell pepper जो है वो tight होते हैं ना, तो side में onion bell pepper लगा के उसको lock कर देते हैं। इसमें ना जो चीज़ ध्यान रखने वाली होती है वो ये होती है कि size सबका लगभग एक जैसा होना चाहिए, ताकि जब सिके तो हर चीज़ जो है वो सरफेस पे टच हो, मतलब पैन में टच हो। तो ऐसा नहीं है कि पनीर अगर बहुत छोटा होगा तो पनीर बीच में रह जाएगा, पनीर पकेगा नहीं। तो हर चीज़ का साइज़ जो है ये देख रहे हैं लगभग सेम है, दैट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट। या अब जी इसको लेना है छान,
और ये जितनी हमने डाली हुई है ना, मिर्ची अदरक सबका कचुंबर काट देना है। ये काम जो है ना ये टाइम से कर दीजिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सारी डिश रेडी रहती है, सिजलर पर रेडी नहीं होती। आप जो है वो पूरा खाना वाना लेके पहुँचते हैं, जैसे ही सिजलर प्लेट के ऊपर खाना डालते हैं, खाना भी ठंडा, सिजलर प्लेट भी ठंडी, और यू नो पंजाबी में कहते हैं ना पटाखा पै जाता है, पटाखा पै जाता है। यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी स्मार्ट बैलेंस ऑयल। अभी क्या है, बहुत सिंपल है, बटर्ड राइस है, मतलब राइस कुक्ड राइस लेना है, उसमें बटर डालना है, उसको पका लीजिए, माइक्रोवेव में डाल दीजिए, हल्का सा उसमें हर्ब्स डालेंगे हम, हर्ब बटर्ड राइस है, तो जो भी आपके पास हर्ब्स हैं, सबसे इजीली अवेलेबल हर्ब जो है वो ऑरिगैनो है, ड्राइड ऑरिगैनो पिज्ज़ा के साथ आता ही है, वो डाल दीजिए, थोड़ा हम धनिया भी डाल देंगे, बस हमारा प्रोग्राम रेडी। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपके पास सिजलर प्लेट नहीं है तो क्या करें, कोई कुछ नहीं करना है, घर का जो मोटा तवा है ना, मोटे तवे को अच्छे से एकदम फर्स्ट क्लास जड़ तक गर्म कर लीजिए, उसके ऊपर सर्व कर दीजिए, ठीक है जी, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। नीचे कोई बेस ढूंढ लिएगा इसको आग ना लगे, लकड़ी का कोई बेस हो तो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि सिजलर प्लेट नहीं है तो हम सिजलर नहीं बना सकते, वो बहाना भी नहीं चलेगा, ठीक है जी, नहीं चलेगा वो बहाना, तवा यूज़ कीजिए, सिजल ही तो करवाना है। नीचे ना गोभी के पत्ते बिछाने हैं, तो गोभी के पत्ते रेडी कर लीजिए, ठीक है जी। गोभी के पत्ते इसलिए बिछाते हैं नीचे ताकि खाना डायरेक्टली सिजलर के कॉन्टैक्ट में ना आए, क्योंकि अगर खाना डायरेक्टली सिजलर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो खाना जल जाएगा, सिजलर बहुत गर्म होगा ना। तो जी ये बटर्ड राइस आ गया, ठीक है, इसके ऊपर डाले हर्ब्स, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सब कुछ सामने रखें जब सिजलर असेंबल करें, वरना क्या होगा आप यहाँ वहाँ कुछ लेने जाएंगे, सिजलर ठंडा हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया, सब कुछ सामने है, देखिए चावल है, सॉस है, शासलिक है, फ्राइज है और चिल्ड बटर। अब वेट नहीं करना जी, ये देखिए शासलिक जो शब्द है ना, सुनने में बड़ा एग्जॉटिक लगता है, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत बेसिक है, मतलब हर देश की अपनी एक डिश होती है जो कि सरिये में लगाई जाती है, थाईलैंड का साते हो गया, तुर्की का शिश कबाब हो गया, हमारा सीख कबाब हो गया, या फिर बोटी कबाब हो गया, वैसे ही शासलिक जो है वो एक्चुअली शीशलिक है, शीश मतलब सरिया और लिक मतलब सरिये में लगाए जाने वाली चीज़ें, तो तुर्की में जो खासतौर जो ईस्टर्न तुर्की है उसमें ये सड़कों में मिलता था, और वहाँ से धीरे धीरे ये सेंट्रल एशिया तक पहुँचा, और उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, हंगरी, रशिया में बड़ा फेमस हो गया, जहाँ पर इसका नाम शीशलिक से शाशलिक हो गया। तब से हम शाशलिक को तो जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक्चुअली मॉडर्न यूरोपियन नहीं, ये एक्चुअली शीशलिक से बनी हुई वो टर्किश डिश है जो सड़कों पर मिलती है हमारे सिख कबाब जैसे। पर जो असली खुशबू है जो दूसरे टेबल तक जाएगी वो जाएगी अपने फ्रोजन बटर की, तो इसलिए फ्रोजन बटर मत भूलिएगा आप। सिजलर वो आइटम है जो एक टेबल देख के दूसरा टेबल ऑर्डर करता है। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और इनसे मिलिए, ये हैं पनीर सिजलर, जिन्होंने मुझको 17 साल पुराने रणवीर की याद दिला दी, और अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा ना किसी टेबल से ऑर्डर आएगा ही आएगा, मैं इधर टेबल के ऑर्डर लेके आता हूँ, आप बनाइएगा जरूर। And please subscribe. Lots of love. Thank you. Chalo bhai, chalo. Sizzler, sizzler, sizzler.